कि 19 वर्ष पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया में सभी कंपनियां सिर्फ 100 करोड़ का व्यवसाय करती थी। मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग में वही कंपनियां आती हैं जिन कंपनियों के अंदर ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री होता है, जिन कंपनियों का प्रोडक्ट जो है जेन्युइन प्रोडक्ट होता है, जो मनी सर्कुलेशन के एक्ट के तहत नहीं आती, कोई चिट फंड नहीं होती, कोई क्वैन, कोई नॉन वर्किंग, कोई सोशल मीडिया ऐप, इस तरह की वो सब कंपनियां दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की जो जेन्युइन कंपनियां हैं सिर्फ 4-5 कंपनियां होती थी आज से 20 साल पहले। ये जो फर्जी कंपनियां थी, ये जो चिंदी चोर थे, ये तब भी थे और ये हमेशा रहेंगे। ये कंपनियां हमेशा रहेंगी। 99% कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में मनी सर्कुलेशन करती हैं, चोरी करती हैं। 1% कंपनियां तब भी जेन्युइन थी, आज भी हैं और ये हमेशा रहेंगी। और वो जो जेन्युइन कंपनियां थी दोस्तों, हम लोग भाग्यशाली थे कि हम लोगों को स्वदेशी मार्केटिंग में 6 वर्ष काम करने का मौका मिला। और उन 6 वर्षों में स्वदेशी मार्केटिंग के एजुकेशन सिस्टम ने हम लोगों का विजन क्लियर कर दिया कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज़ है। और दोस्तों हम उस बात पे हम लोगों ने 100 करोड़ पे इस इंडस्ट्री को देखा। और उस वक्त हमें ये कहा जाता था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि आने वाले समय में ये उद्योग बहुत बड़ा होगा और इस उद्योग से लोग करोड़ों रुपया कमाएंगे। आप एक चीज़ सोचिए, आज से 20 साल पहले व्यक्ति को 5,000 सैलरी मिलती थी, है ना जी। और उस वक्त कोई आदमी ये बोलता था स्टेज पे डायरेक्ट सेलिंग में कि अगले 20 वर्षों में डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में बहुत बड़ी होगी और लोग करोड़ों रुपए की इनकम ले रहे होंगे, तो क्या ये बात यकीन करने योग्य थी? नहीं थी, यकीन ही नहीं होता था कि कैसे करोड़ों रुपए आएगा। और दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, आज हमारे भारत देश में, आज से 20 साल पहले कोई नहीं दिखता था हमें, आज से 20 साल पहले अमृतसर से लेकर दिल्ली तक हमें एक भी आदमी ऐसा नहीं दिखता था जिसके पास मर्सिडीज या BMW हो डायरेक्ट सेलिंग से। 1 करोड़ रुपया तो दूर की बात, जो आदमी 10 लाख रुपए महीने का पे आउट भी ले रहा हो ना, 5 लाख रुपए महीने का पे आउट लेने वाला व्यक्ति भी अमृतसर से लेकर दिल्ली तक एक भी आदमी 15 साल पहले नहीं था। और इंडिया में कुल व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग का 19 साल पहले 100 करोड़ था। और दोस्तों देखते देखते जो लोग नेगेटिव थे, जो चिंदी चोर थे, वो भी चलते रहे, नेगेटिव लोग भी नेगेटिव सोचते रहे, चिंदी चोर भी अपनी कंपनियां करते रहे, डायरेक्ट सेलिंग अपनी मस्त चाल चलता रहा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल डायरेक्ट सेलिंग ने हिंदुस्तान में 18,000 करोड़ का आंकड़ा टच किया है, 18,000। और पिछले साल अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग में जो काम करने वाली जेन्युइन कंपनियां हैं, आज 1-2-3 नहीं है, आज डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाली हिंदुस्तान में सैकड़ों की तादाद में जेन्युइन कंपनियां हैं, सैकड़ों। और दोस्तों आज अगर हम 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोगों की बात करें, क्योंकि 1-2 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोगों की बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग से इंडिया में 1-2 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोग 100-200 हजार नहीं है, लाख रुपए महीना कमाने वाले लोगों की संख्या डायरेक्ट सेलिंग में हजारों है, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो लाखों रुपए महीना डायरेक्ट सेलिंग से कमा रहे हैं। 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक महीना कमाने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। और आज दोस्तों हमारे इस भारत में अगर आप अमृतसर से दिल्ली तक जाएंगे, आपको 1-1.5 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले लोग भी मिल जाएंगे। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, आज अगर आप अमृतसर से दिल्ली तक जाएंगे, आपको BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगवार कार 1-2 नहीं मिलेंगी, सैकड़ों। ये आकार लिया, लेकिन इस आकार में दोस्तों जो लोग डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव थे और जो लोग 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग को सीखते रहे, करते रहे, पॉजिटिव रहे, आज वो लोग 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए महीना पे हैं, और जो लोग नेगेटिव थे वो 10,000 15,000 20,000 25,000 की जॉब पे।